हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे एक नई चीज़। कल हमने हमारी खेत में की थी हार्वेस्टिंग इस हार्वेस्टर से, आज हम करेंगे कल्टीवेटिंग और सीडिंग, जिसमें हम एक तो पहले खेत जोतेंगे और फिर बीज उगाएंगे, बीज से तो उगाएंगे हमारी फसल। हार्वेस्टर को एक तरफ रखते हैं, ये ट्रैक्टर लेते हैं और इस ट्रैक्टर से आगे हार्वेस्टर का बड़ा ये दोनों यहाँ पर है, ठीक है। तो इस ट्रैक्टर से कल्टीवेटर अटैच कर देता है। ये कह रहा है आफ्टर हार्वेस्टिंग यू मस्ट यूज कल्टीवेटर टू प्रिपेयर सोइल फॉर सोइंग, मेक श्योर यू रिमूव ओल्ड स्टबल टू गेट योर सीड। अच्छा, फिर ये सारा जो दिखाई देता है हार्वेस्टिंग के बाद, ये भी हमारा खेत है, इसको बाद में करेंगे। सबसे पहला खेत जो मिला वही हम अपना थोड़ा काम करेंगे हार्वेस्ट और सॉरी ये जो भी है यहाँ पर नाम भैया क्या कहते हैं। और कल सबसे पहले हमारे पास शुरुआत में थे 25,000, हमने कुछ पैसे कमाए 10,000 के लगभग। क्या करके कमाते हैं, हाँ किसी का कॉन्ट्रैक्ट लिया था हमने। ये देखो अब ये वाला बटन दबाने से मशीन चालू हुई, अब मैं इसका ट्रैक्टर को चलाऊंगा और अपने आप ये इसके यहाँ पे होती जाएगी कल्टीवेटर। ये देखो पीछे की जमीन, और इसको लगा देते टायर यानी हेल्पर पे लगा देते, हेल्पर अपना काम करता रहेगा। तो देखना अपने आप ही वो कर लेगा सब कुछ। अब हराते हैं हम लाते हैं वो सीड डालने वाली मशीन, इस ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं। क्या स्लो चलता है, ये ग्रीन कलर की है, ये सीड डालने वाली मशीन है। With the sowing machine, you can plant grain on a cultivated field. ठीक है दादा जी। Tap to seed icon in your action bar to switch seed type. ठीक है। A field can be harvested once the crop has turned into golden yellow or rich brown. In case of canola. Okay. Canola यानी सरसों होती है, पता है? मेरे को भी कल ही पता चली। Crops will spoil if left for too long after they ripen. अच्छा खराब हो जाएगी। बी श्योर टू हार्वेस्ट डेट बिफोर द विंटर, खराब होने से पहले उनको हार्वेस्ट करो भाई। ठीक है दादाजी। देखो मेरे गाय गांव की अब कितनी सारी खाई है, चालू कर देते हैं। यहाँ से सीट चेंज कर सकते हो, कैसे दिखे यहाँ से सीट चेंज कर सकते हो। अगर अपन गेहूँ ही उगाते हैं सबसे पहले, सबसे पहली फसल गेहूँ, लोगों के घर में रोटियाँ कैसे बनेंगी। और चलो इसको भी लगा देंगे टायर पर, थोड़े बहुत कैसे लगेंगे टायर के कारण तो चलता है। और हेल्पर के साथ हेल्पर कैसे देखता है हर एक सेकंड का। चलो भाई फील्ड पर जल्दी जल्दी काम हो रहा है, अब देखते हैं अब प्राइजेस देखते हैं कि गेहूँ के प्राइजेस क्या चल रहे हैं। सर प्राइजेस देखा देखते हैं, ये तीन दो पे इसको क्लिक करेंगे और प्राइजेस पे जाएंगे। अभी सबसे हाईएस्ट स्टेशन वाली जगह पे गेहूँ के प्राइस, सॉरी इसके नीचे हार्बर पे चल रहे सबसे हाईएस्ट प्राइजेस, और सॉरी इंदर पे चल रहे सबसे हाईएस्ट प्राइजेस, जो अब घट रहे धीरे धीरे क्यों घट रहे बढ़ गए। ये सेकेंड नंबर तक फर्स्ट नंबर पर गेहूँ है, फिर सेकंड नंबर पे कनोला है ये जिसको कहते हैं सरसों, थर्ड नंबर पे कॉर्न है मकई, फोर्थ पे ये इसको कहते हैं सनफ्लावर, फिर ये आपके पटेटो, पटेटो के तो रेट का भी चलते रहते हैं, ये बीट रूट, ये दूध बोतल से समझ जाओ दूध, और लास्ट में वूल। वूल के प्राइस सबसे हाई रहते हैं, वूल के देखो और बड़े ही जा रहे हैं, बड़े ही जा रहे हैं। स्टेशन पे तो 7,000 में चढ़ रही है उसकी ऊँचाई। हम भी करेंगे शिप को पालेंगे, पेड़ के प्राइजेस भी, पेड़ काटे हुए के प्राइजेस, पेड़ के बाद ये जो है ये मुझे नहीं पता है, और उसके बाद ये जो है शायद ये घास है, और उसके बाद ये है इसको तो हे कहते हैं, हे जिससे हे बेल बनती है। सॉरी ठीक है, सब सोच रहे होंगे पैसे फालतू के क्यों काट रहा हूँ, ये सब वो भी कर सकता हूँ, पर इसका ये इतना अच्छा भी होता है जितना हेल्पर कर सकता है। तो देखिए ऊपर वाले, चलो ठीक है ये इसका काम होने के बाद मिलते हैं।
तो दोस्तों, सॉरी फ़ोन आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया होगा। तो दोस्तों कल्टीवेटिंग हो गई है और सोइंग हो रही है। तो अब यहाँ पे मशीन रख के हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है ऊपर राइट साइड लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख सकते हो। तो मशीन यहाँ रख के हम अपने खेत में रख के जाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देंगे। आई ब्रॉट अ ट्रेलर ऑफ कॉर्न, मक्के का ट्रेलर लाया है। विल यू पिक इट अप एंड डिलीवर टू स्टेशन? ठीक है, मक्के का प्राइस क्या चल रहा है देखते हैं। तो मक्के ये रहा थर्ड नंबर पर, स्टेशन पे 2000 में बिक रहा है, सबसे हाईएस्ट प्राइस यही है, इसलिए यहाँ पे डिलीवर करने को कह रहा है। ठीक है, टाइम भी दे रखा है और मैप खुल गया है पीछे। कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। ये सामने ही कहीं पड़ा दिखता है। अच्छा ये रहा ना, चमक रहा है। ठीक है, इसको डिलीवर करने का काम है हमारा। और अभी अगर अच्छी क्वालिटी की वीडियो ना बने तो बता देना, मेरे को लगता है कि अभी परीक्षा के कारण मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग कल करके डाल रहा हूँ। पहले भी अच्छी एडिटिंग नहीं करता था क्योंकि मेरे को आती नहीं थी, पर अब तो आ गई है। ठीक है चलो, अब इसको ये स्टेशन नाम की जगह पे डिलीवर करके आते हैं, फिर कुछ पैसे लेते हैं। अभी 35,000 है हमारे पास, कुछ पैसे बढ़ाते हैं। यहाँ से ले दी अंदर, सॉरी इधर। या डिलीवर कर दो तो चले क्या, शाम होने आई लगता है। ये गाड़ी वाले कैसे गाड़ी चलाते हैं समझ में नहीं आती, सामने आ जाते बात बात पे। हमसे कुछ सीखे गाड़ी चलाना? मैप बंद कर देता हूँ, नज़ारे लो भाई नज़ारे लो। स्पीड कर देता हूँ मैं, पर एडिटिंग करने का समय नहीं मेरे पास। स्टेशन अभी थोड़ा सा दूर है, ये क्या जगह है क्या होता बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा आगे जाना है। वो चमकरी जगह वही है स्टेशन शायद। हाँ और हमारी दूसरी गाड़ी क्या कर रही है? कल्टीवेटिंग, ये हो गई दिखती है। हाँ ये काम भी हमारा हो गया है, इसको अलग रख दो फिर। अब कुछ ही समय में फसल उग जाएगी हमारे यहाँ पे, थोड़ी पहले इसको काम कर लेते हैं, फिर दूसरा काम करेंगे। बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। देने से पहले ये देख ही लेते हैं कॉर्न के प्राइस क्या चल रहे हैं। इसमें 8 क्विंटल आता है, 8,000 किलोस इसमें आता है इस ट्रेलर में। 2,100 हो गए, पर हाईएस्ट इसके ही है स्टेशन के। 10 मिनट रुक के दूँ तो और कब हो जाएंगे पैसे मुझे उससे क्या। मैं तो दे देता हूँ जल्दी से, काम कर लेता हूँ और फिर डिलीवर हो गया ना। नाइसली डन, गॉट अ प्राइस फॉर ट्रेलर और 52 हो गए 35 से, यानी 22,000 मिले इसके लिए एक डिलीवरी के लिए। डिलीवरी बॉय बंदा फाइंडे बंदे। आज का काम हो गया है, कल हम थोड़ी सी फसल काटेंगे, या फिर तुम कह दो तो हर कुछ छोटी मोटी जो है फसल काटना और उगाना हो और पैसे कमाना, ये डिलीवरी वाले तो ऑफलाइन कर लूँगा। फिर बताऊँगा नई नई गाड़ियाँ खरीद के, तुम बोलोगे जो खरीदेंगे। और पालेंगे भी भेड़ बकरियाँ, ये तो फालतू की वीडियो बड़ी हो जाती है, मतलब भी दिए कोई। ठीक है चलो बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्लीज।